की एजेंसी इम्प्लीमेंट करे। जो मकसद होता है वो ये है कि किसान तक वो चीज़ कैसे पहुंचे, ठीक है। अब जैसे मैं भाई साहब से बात कर रहा था, ये इन्होंने ग्रेडिंग शेड, ये जैसे ये शेड बनाया, यही शेड अगर ये प्रोग्राम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इनका 5 लाख 4 लाख जो भी खर्चा आया है, इनको उसका 50% मिल जाना, 350 रुपये स्क्वेयर फीट के हिसाब से वो देते हैं। कार इंटीग्रेटेड पैक हाउस हैं, उसमें आप मशीनरी, छोटा सा ऑफिस, जेन सेट, प्लास्टर क्रेट्स, वेइंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, ये सारे पैरामीटर्स हैं उसके। आप इन सब चीज़ों पे जो है आपको वो 50% सब्सिडी देते हैं। वो स्कीम जो है क्रेडिट लिंक स्कीम है, उसमें या तो कोई कोऑपरेटिव हो, एसटीओ हो, या बंदा अपने लिहाज से खुद अपना बनाना चाहे, वो गवर्नमेंट आपको एक लोन देती है, लोन बेस पे जो है आपने करना होता है इसको। अगर आप में से उस लाइन में कोई भी लोग कोई दिलचस्पी रखे तो, क्योंकि वो वक्त बड़ी ज़रूरत है आने वाले सालों में। देखिए, ये जैसे चेरी, हम यही चेरी कई मुल्कों से इंपोर्ट होती है, यही चेरी 2500 रुपया किलो भी बिकती है, ठीक है। अगर हम कुछ बाहर की एजेंसीज पे डिपेंड रहेंगे, हमें एक चीज़ सबसे पहले एक्सरसाइज ये करनी है कि जो हमारा माल निकला, अगर ए निकला, बी निकला, सी के लिए हम कह रहे हैं कि जी अगर MIS भी हो जाए, अगर आपको मान लो 8-10 रुपये में सी ग्रेड बिक भी जाता है, हमें इसका भी को वाया मीडिया ये निकालना कि क्या हमारे पास ऐसी तरीकाकार हैं कि हम सी ग्रेड का भी 25-30 रुपये के हिसाब से पैसे कमाएं। अगर आप किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट को देंगे, वो आपको अच्छी कीमत पे कभी सी नहीं। और एक लोगों में सी का ये कंसेप्ट है, सी कोई ग्रेड नहीं होता है, आपका जो ए ग्रेड वैरायटी है अच्छी क्वालिटी उसका भी सी है, आपकी जो बी ग्रेड है उसका भी सी है, सी अपने आप में सी है, ठीक है। तो जो ए ग्रेड है आपका, जो अच्छी वैरायटी है, अगर उसका आप सी निकालते हैं, उसका आप देखेंगे अगर उसकी एक प्रोसेसिंग कर लेते हैं, आज कश्मीर का नाम बिकता है। इसमें को वो अलग बात है कि हमने बहुत सारी जगहों में अपना नाम बदनाम करवा लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ जहाँ भी गए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, मैं तकरीबन 4-5 साल लगातार जाता रहा, और आप यकीन करें कि कश्मीर के नाम पे आप खाक भी दें, आप बोलें ये मिट्टी कश्मीर की है, और इसमें जो है अगर आप अपने घर में रखो, इसमें से जनाब आपको जो है सेहत ठीक रहेगी, लोग वो भी ले लेते हैं जी कश्मीर की। और इसमें भी शक नहीं है कि इसमें वाकया ये तो ऐसे नहीं बोला है कि जन्नत है। जैसे हम लोग हज में जब गए ना, तो वहाँ किसी के बोलने लगे जी जनाब हमारे वहाँ नहरें बहती हैं, दरिया हैं, चश्मे हैं, पहाड़ हैं, बागात हैं, वो कहते थे आपको तो, आप तो जन्नत में हो, क्योंकि ये जन्नत की निशानियों में से हैं। अब इस जन्नत को किन किस दरख्त के पास जाने से हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया था, अगर हम ज़बरदस्ती उसको खाएंगे तो हमें तो पटका ही जाएगा किसी न किसी जगह, तो फिर तौबा करते करते हमारी उम्र जो है निकल जानी है। आप इसको एक मिनट वीडियो बंद करो।